दोस्तों, अभी तक हम ये वेस्टर्न देशों में ही सुना करते थे कि इलीगल तरीके से देश में इंटर करने, वीजा रूल्स को वायलेट करने, इलीगल एक्टिविटीज या फिर क्राइम में शामिल होने या फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी उस देश में ओवर स्टे करने यानी ज्यादा देर तक रुकने के कारण किसी व्यक्ति को अपने देश वापस से डिपोर्ट कर दिया गया। आपने भारत को लेकर ऐसी खबरें बड़ी कम बार ही सुनी होंगी कि भारत सरकार ने किसी देश के नागरिक को डिपोर्ट करके वापस उसको उसके देश भेज दिया गया हो, क्योंकि मीडिया में इसको कवर भी नहीं किया जाता था और ना ही इसके बारे में कोई ज्यादा बात करता था। लेकिन भारत भी वेस्टर्न देशों की तरीके दूसरे देशों के नागरिकों को डिपोर्ट करता है। रिसेंटली कुछ जर्मनी के लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे और वो असम में वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का काम कर रहे थे, जिसके बाद अथॉरिटी को पता चलते ही वीजा रूल्स के वायलेशन के लिए उन सबको उनके अपने देश जर्मनी वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। इसी तरह से भारत सरकार ने और भी कई सारे देशों के सिटीजन को अलग अलग कारणों से भारत से डिपोर्ट कर दिया था, जिससे संबंधित डेटा सामने निकल कर आ गया है। इस डेटा से पता चलता है कि कौन से देश के नागरिकों को भारत से सबसे ज्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है और कौन से देश के नागरिक भारत में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक पिछले साल 2021 में भारत ने कुल 821 लोगों को डिपोर्ट किया था, जबकि 2400 से ज्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा भी दिया था। साल 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साल 2021 का डेटा कंपाइल कर लिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021 में दुनिया के सभी देशों से कुल 15,24,669 फॉरेनर्स भारत आए थे और आपको हैरानी होगी कि इस लिस्ट को टॉप किया है अमेरिका ने, यानी 15 लाख में से सबसे ज्यादा अमेरिकन भारत आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 4,29,860 लोग भारत आए थे। दूसरे नंबर पर रहा बांग्लादेश और 2,40,554 बांग्लादेशी नागरिक पिछले साल 2021 में भारत आए थे। थर्ड पोजीशन हासिल की है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने। 2021 में 1,64,143 ब्रिटिश नागरिक भारत की यात्रा पर आए थे। चौथे नंबर पर है कनाडा और कनाडा से 80,437 नागरिक भारत आए थे। पांचवें स्थान पर नेपाल से 52,544, छठे स्थान पर अफगानिस्तान से 36,451, जबकि सातवें स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से 33,864 लोग भारत आए थे। आठवीं पोजीशन पर जर्मनी से 33,772 लोग, जबकि नौवीं पोजीशन से पुर्तगाल से 32,064 लोग भारत आए थे और दसवें नंबर पर रहा फ्रांस और फ्रांस से 30,374 लोग 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। रिपोर्ट में ये टॉप 10 देश लिस्ट में शामिल किए गए हैं और 15 लाख फॉरेनर्स ने जो भारत की यात्रा की उसमें से 74.39% लोग इन्हीं 10 देशों से थे, बाकी के 25.61% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2021 में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 821 विदेशी नागरिकों को भारत से डिपोर्ट भी किया था। डिपोर्ट हुए फॉरेनर्स में सबसे ज्यादा संख्या नाइजीरिया से थी। 821 में से 339 नागरिक अकेले नाइजीरिया के थे। उसके बाद बांग्लादेश के 246 नागरिकों को भी डिपोर्ट किया गया था। तीसरे नंबर पर रहा अफगानिस्तान और पिछले साल 2021 में 105 अफगानी नागरिकों को भारत ने डिपोर्ट किया था। नाइजीरिया इसलिए टॉप पर है क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि भारत में कई नाइजीरियंस वैलिड वीजा और पासपोर्ट के बिना भारत में ओवर स्टे कर रहे हैं। कई तो भारत में ड्रग्स स्टेट में भी शामिल हैं, यानी कि ड्रग्स की स्मगलिंग भी करते हैं, वीजा रूल्स को भारत में वायलेट करते हैं और कई बार तो नाइजीरिया के नागरिक एयरपोर्ट पर ही ड्रग्स को इंडिया में लाते वक्त कस्टम ऑफिसर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको उसी समय डिपोर्ट कर दिया जाता है। साथ में मैं यहाँ पर यह भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो 15 लाख फॉरेनर्स साल 2021 में भारत आए थे, इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सिटीजनशिप ले ली है। भारतीय मूल के वो लोग जब भारत आते हैं तो उनको भी फॉरेनर्स की लिस्ट में ही डाला जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी होती है। खैर, क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अमेरिका, कनाडा, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी वेस्टर्न देश की नागरिकता लेना चाहोगे या फिर अपने भारत में रहकर भारत को वेस्टर्न देशों से भी ज्यादा डेवलप बनाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।